गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम सबसे पहले अपने व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा संज्ञा। वैसे संज्ञा से तो आप फैमिलियर हो ही हो, शुरू से पढ़ते आए हो, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, नाउन। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको आप अपने इंग्लिश में ये डेफिनेशन बोलते हो, लेकिन हिंदी में बेटा हम इसको बोलते हैं संज्ञा। तो आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। व्यक्ति, किताब, किताब क्या है? वस्तु। गाय, गाय को हम क्या कहते हैं? जाति, जानवरों की, पशु की एक जाति होती है। मिठास, भाव। और जोधपुर, जोधपुर क्या है? स्थान का नाम। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत। अब जैसे मैं आपको संज्ञा को कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझा सकती हूँ, जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे मेरा नाम, मेरा नाम क्या है? रेखा शर्मा। पर्टिकुलर आप मेरे को किस नाम से जानते हो? रेखा शर्मा के नाम से। आपका खुद का एक नाम है, तो जो व्यक्ति जिस नाम से जाना जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा हम, वो एक समाज सेविका थी, तो हम उनको किस नाम से, मदर टेरेसा, उनको नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो हम उनको किस एक नाम से जानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। वस्तुओं के नाम, आप अपने आसपास खूब सारी वस्तुएं चीज़ें देखते हो, जैसे मेज, टेबल होती है, पेन, पेंसिल, रबर, आपके पास कंप्यूटर घर पे हो, टीवी हो, तो आप अपने आसपास चारों तरफ बेटा जो भी सामान, जो भी थिंग, जो भी वस्तु देखते हो वो सब किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत। स्थानों के नाम, यानी कि जगह जहाँ आप रहते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जैसे भारत, भारत किसका नाम है? आपके देश का नाम है, तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। जयपुर, आपके खुद के शहर का नाम क्या है? जोधपुर। जैसे उदयपुर, जैसलमेर, तो जिस शहर को, जिस देश को आप किसी नाम से जानते हैं तो वो क्या होता है बेटा? वो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। भाव, भाव बेटा देखे नहीं जाते हैं, उसको महसूस किए जाते हैं। तो जैसे मिठास, लंबाई, बुढ़ापा आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। भाव, जो भी भाव है वो संज्ञा ही है। जानवरों के नाम, गाय, बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सब क्या है? लोमड़ी। तो जो भी आप जानवर देखते हो अपने चारों तरफ, जहाँ पे भी आप देखते हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? संज्ञा के अंतर्गत। अब आपको मैं संज्ञा के भेद के बारे में बताती हूँ। वैसे तो हिंदी भाषा में अपने संज्ञा के तीन भेद ही बताए गए हैं, लेकिन अंग्रेजी के अकॉर्डिंग संज्ञा के पांच प्रकार हैं। तो हिंदी के संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से तीन भाग है और सामान्य रूप से पाँच भाग है। मुख्य रूप से तीन भाग है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सामान्य रूप से संज्ञा के पांच भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसको आप कॉमन नाउन बोलते हो। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। एंड द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो संज्ञा के वैसे तो मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं, लेकिन बेटा अंग्रेजी के अकॉर्डिंग उसके सामान्य रूप से पांच भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। जैसे मैं कौन हूँ? एक मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मैं किस नाम से जानी जाती हूँ? पर्टिकुलर अपने नाम से जानी जाती हूँ। मेरे को आप क्या बोलोगे? रेखा शर्मा या रेखा मैम, तो मैं किस नाम से जाने रही हूँ? पर्टिकुलर एक किसी नाम से जानती हूँ। तो किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, अब आप इनकी तस्वीर देख के आप क्या बोलोगे? ये कौन है? ऐसे थोड़ी बोलोगे ये इंसान है, या आप पर्टिकुलर उनकी शक्ल देख के इनको नाम से बोलोगे ये नरेंद्र मोदी है, ये एक अभिनेता है। तो आप इनको किस नाम से जानते हो? अक्षय कुमार के नाम से। आपका खुद का नाम है, आपको घर में पेरेंट्स किसी न किसी नाम से बुलाते हैं, तो
आप जिस नाम से जाने जाते हो तो वो आपकी कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये अपने आप में बेटा इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाओ, प्रॉपर नाउन जो अपने आप में प्रॉपर हो, यानी कि जो नाम से जाना जाए वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मैं मनुष्य हूँ, लेकिन बेटा मैं मनुष्य किसी नाम से जाने जा रही हूँ। मनुष्य आया तो एक जैसे बहुत सारे हैं, तो मेरे जैसे खूब सारे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन मैं कोई पर्टिकुलर किसी नाम से जाना जा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा? एक संज्ञा की परिभाषा, किसे कहते हैं संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो आज सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम संज्ञा के जो पीछे के 4 भेद बचे हैं, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, वो हम अगले वीडियो में जान पाएंगे। जब तक इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है, और आपके जो भी डाउट होंगे वो हम जूम क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, स्टे होम एंड स्टे सेफ।